गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास 11th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर इनइक्वलिटीज की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 में आज हम लोग सॉल्व करेंगे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इनइक्वलिटी दी गई है 2x + y > 4, x + y < 3, 2x - 3y < 6। ठीक है, ग्राफिकली क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है इस इनइक्वलिटी को। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे पहले, ठीक है, v सॉल्व कर दे रहे हैं इनडायरेक्ट। v फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, किसका ग्राफ पहले हम करेंगे, 2x + y = 4, x + y = 3 एंड 2x - 3y = 6। 2x - 3y = 6। ठीक है, 2x - 3y = 6। तो पहले हम इसको, ये जो लाइनें हैं, इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखेंगे कि ये लाइन किसके पास होती है, किस कोऑर्डिनेट्स पास होती है। ठीक है, इम्प्लाई दैट 2x + y = 4 पासेस थ्रू, किसे पास होगी, मान लेते हैं ए पॉइंट कितना 2,0 एंड जो बी है वो कितना है 0,4। ये कैसे पता चलता है, इंटरसेप्ट फार्मूले से पता चलता है। ठीक है, किस फार्मूले से पता चलता है, इंटरसेप्ट फार्मूले से पता चलता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, x + y < 3। ठीक है, अगेन x + y = 3 इज रिप्रेजेंटेड बाई द लाइन CD, where C इज थ्री कामा जीरो एंड D 0,3। 3,0, 0,3। ठीक है, और 2x - 3
वाई इक्वल टू कितना है 6। फर्दर 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय इज रिप्रेजेंटेड बाय ईसी वेयर ए इज 0 का माइनस 2 एंड सी इज 3,0। ठीक है, सब लैंग्वेज है। देखिए हम ये सिंपल सा मैटर है, मैं अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट कट लिख दूँ तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3, थर्ड क्या बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इन तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करके इस जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ठीक है, जो पहली लाइन किसके पास होती है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 किसके पास होती है इसको देख लेते हैं। ये 20 से 04 से, तो 20 सपोज कर लेते हैं, 20 कहीं यहीं आएगा, 20 यहाँ कहीं आएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ 2,0। और सेकंड क्या है 04, तो 04 मान लेते हैं, यहाँ आता है 04। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसको हम जो है यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ए बी हो गया, पहली लाइन हो गई। दूसरी अगेन क्या है 3,0, 0,3, तो 0,3 मान लेते हैं यहाँ कहीं आता है 0,3 और 3,0 मान लेते हैं यहाँ कहीं आएगा 3,0, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको किसे रिप्रेजेंट करना हमको सी डी से, ये क्या हो गया मान लीजिए सी हो गया और ये क्या हो गया मान लीजिए डी हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका कॉर्डिनेट कितना है ये जो है 2x माइनस 3y इसका कितना है 0,-2, तो 0,-2 कहाँ आएगा 0,-2 यहाँ कहीं आएगा, -2 लेना है यहाँ पर आएगा, तो 0,-2। ठीक है, और क्या है 3,0 मतलब यहाँ है। ठीक है, तो ये है जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्या पॉइंट होगा ए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए देखिए सिंपल सा भी बताता मैं आपको। ग्रेटर देन का मतलब उसके ऊपर वाला पार्ट, लेस देन का मतलब नीचे वाला पार्ट। ठीक है, या तो हम 0,0 रख के क्या करेंगे चेक कर लेंगे। ठीक है, 0,0 के क्या करेंगे चेक कर लेंगे किस साइड आएगा। तो देखिए इसी और पहला क्या है ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर, तो पहली लाइन है क्या यहाँ है यही ना है, तो इससे ग्रेटर का मैटर है, तो ग्रेटर का मतलब ये कहाँ जाएगा ऊपर ऊपर के साइड जाएगा। सेकेंड वाला क्या कहा है कि लेस देन मतलब x प्लस वाई लेस देन 3, तो इस लाइन से नीचे वाला कौन सा यह जो लाइन इससे नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये हो गया
अब जो थर्ड वाला इक्वेशन क्या कहता है कि लेस देन 6, यह जो है 6 क्या है, लेस है तो लेस का मतलब नीचे की तरफ, तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब देखिए, इससे इधर, इससे इधर और इसके इधर, तो कौन सा पार्ट आएगा, सिर्फ यही पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखिए इससे लेस, इस वाले से लेस, इससे ग्रेटर, इससे भी लेस भाई, इससे लेस का मतलब वर्जिन की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, किधर होगा, वर्जिन की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, हम 0 0 पुट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 12 देख लेते हैं, तो 14 क्या है। चलो क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। ठीक है, यही है, अगर एक दो क्वेश्चन समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज कोई दिक्कत नहीं है आपको। लाइन है तो पॉइंट कैसे निकालना है, वो कैसे पास हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 क्या है, 14 में कौन कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, इन ग्राफ में ही बना दूंगा उसका 14 का। चलिए देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें, तो 3x + 2y, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150। ठीक है, और यहाँ से x + 4y लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, x लेस देन इक्वल टू 15, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतने पॉइंट हैं, इतने इक्वेशन हैं सब मिला के। ठीक है, तो देखिए अब जैसे मैं राइट किया उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, इसको मैं देखते हैं, या तो कहीं राइट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए राइट ही कर देता हूँ। द लाइन 3x + 2y इक्वल टू 150 पासेस थ्रू द पॉइंट 50, 0 एंड 0, 75। सब पूछ लेते हैं, ए बी रिप्रेजेंटेड दिस लाइन, ए बी रिप्रेजेंटेड दिस लाइन, मतलब कि यह जो यह ए को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैं निकालने के रूल आपको बताया, नहीं आएगा तो फिर मेरे यहाँ उनको बताइएगा या व्हाट्सअप करिएगा। द लाइन, अब कौन सी लाइन, सेकेंड लाइन है ये वाली, द लाइन x + 4y इक्वल टू 80 पासिस थ्रू द पॉइंट, ये आएगा तो कितना हुआ, 80, 0 हो जाएगा, 80, 0 एंड यहाँ करेंगे तो 4 2 20, 0, 20। ठीक है, सी डी रिप्रेजेंटेड दिस लाइन। ठीक है, सी डी रिप्रेजेंटेड दिस लाइन। ठीक है, बाकी ये दोनों तो हम x = 15 शो कर देंगे, इसको कोई इसका मैटर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे किधर जाएगा, वर्जिन की तरफ इसका डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में इसका वो है। ठीक है, इसका देखिए फिगर बनाते हैं, फिगर इसका यही बना देते हैं। सब पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव तो है नहीं,
तो इसको हम इधर करके ही बना लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई है। तो पहली किसको रिप्रेजेंट करती है, 50,0। तो हम सपोज कर लेते हैं 50,0 हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है हमारा 50,0 और 0,75 सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आता है। 0,75 यहाँ आता है, यह कौन सी, ठीक है, ये क्या है, ए बी, क्या है ए, इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए बी। ठीक है, ए बी हो गया। और सेकंड क्या है, 80,0 सपोज कर लेते हैं हमारा यहाँ आता है, क्या 80,0 और सेकंड कितना है, 0,20। हम 0,20 यहाँ ले लेते हैं, 0,20 इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, ये सपोज सी होता है, ये क्या होता है, डी होता मान लेते हैं। थर्ड क्या है, यक्स इक्वल टू 15। यक्स इक्वल टू 15 कहाँ आएगा, यक्स इक्वल टू 15 यहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो यक्स इक्वल टू 15 मान लेते हैं हमारा, यक्स इक्वल टू 15 यहीं कहीं आएगा। देख ये कब होगा, जब यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना होगा, 15 होगा तब ना। ठीक है, तो यह लाइन कौन सी है, यक्स इक्वल टू 15 को मान लेते हैं, ए बी सी डी हो गया, इसको मान लेते हैं क्या, ई एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से कर लीजिए कौन लेस कौन ग्रेटर है। देखिए ये 150 से लेस का मतलब नीचे की तरफ, 150 से लेस का मतलब क्या हो गया, डाउन साइड। तो 150 वाली लाइन कौन है, 150 वाली लाइन, 150 लाइन है मतलब इसके डाउन साइड। ठीक है, सेकेंड से भी लेस, जो सेकेंड लाइन है यक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, इससे भी लेस। ठीक है, तो देखिए इससे भी लेस, ये वाली है ना, इससे भी लेस, मतलब मैं कह देता हूँ कि इससे भी लेस, मतलब इसके भी नीचे वाला साइड होगा, इससे भी नीचे वाला साइड होगा। मतलब अब 15 से भी लेस, यह जो है यक्स से लेस देन इक्वल टू 15, मतलब इससे भी क्या है, यक्स इससे भी लेस है, इसका मतलब इससे भी लेस। ठीक है, और y ग्रेटर इक्वल टू 0, ये क्या है, 0 से ग्रेटर, ये तीनों से लेस का मैटर है। देखिए इस लाइन से भी लेस, इससे भी लेस, और इससे भी देखिए लेस आई है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मान लेते हैं, अब इसको हम दिखा देंगे, ये क्या है, इसको देना पड़ेगा ना कि कौन सा स्पार्क जो है इसे क्या करता है, फॉलो करता है। तो मान लीजिए एक कौन सा, ए पी है, ए क्यू है, और ये क्या है, आर है, और ये क्या है, एस है। तो इस जो इनइक्वलिटी है, ये जो इनइक्वलिटी में कितने इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, इनको फॉलो करने वाला कौन है, इनको फॉलो करने वाला पी क्यू आर एस है। इनको फॉलो करने वाला कौन है, पी क्यू आर एस है। ठीक है, फिर इसको बताएंगे और बेटर तरीके से, ठीक ना, और आप लोग सॉल्व करिएगा। इस तरीके से जो है इस एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज जो लास्ट हो चुकी है, और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ना नहीं, बायनोमियल थ्योरम पूरी तरह जो है डिडक्ट हो गया, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें भी देखेंगे हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में कौन से टॉपिक, कुछ पॉइंट जो है डिडक्ट हुआ है, कोई टॉपिक डिडक्ट हुई है, या हम लोगों को सब जो है स्टडी करना, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में कोई डाउट होगा तो हमारे यहाँ व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, ओके।